नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अप्रैल शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। 12 जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर कार सवार पति पत्नी, उनके जवान बेटे और परिवार के एक बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार कार का टायर फट गया, इसके बाद कार रॉन्ग साइड जाकर ट्रॉले से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि कार सवार 4 लोग बूंदी के केशव राय पाटन से कैलवाड़ा में अपने रिश्तेदार के यहाँ शोक में शामिल होने जा रहे थे। बटावदा ढाबे के सामने तेज रफ्तार कार का अचानक टायर फट गया, डिवाइडर कूदकर कार सामने की तरफ चले गई। सामने से आ रहे ट्रॉले में कार जा घुसी, उसमें सवार लोग कार में ही फंस गए। राहगीरों ने उनको बाहर निकाला। हादसे में ईश्वर दयाल, उनकी पत्नी हेकुनामा, बेटा अखिल और परिवार के बुजुर्ग ईश्वर दयाल को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने कार और ट्रॉले को जब्त कर लिया है। उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र के गौ पिपला में अनूठी बारात निकली। इसमें दूल्हा 80 साल का था। बारात में दूल्हे के 9 बेटे बेटियों सहित 20 पोता पोती नवासा नवासी शामिल हुए। यह अनूठा विवाह गौ पिपला निवासी सखमा का हुआ, जो गुजरात के गुण भाकरी से दुल्हन मट्ठू को ब्याह कर लाया। सखमा के साथ मट्ठू पिछले 60 साल से लिव इन में रह रही थी। शादी की रस्में अब अदा की गई। सखमा पारगी के काना, बसू, राकेश, चंदू, पिंटू, भोलाराम, मणि, सुमी व मेवा 9 बेटा बेटियां हैं। इसके अलावा सखमा व मट्ठू के 20 पोते पोतियां हैं। पूरे परिवार के साथ सखमा की बारात ढोल डीजे की थाप पर गुजरात के गुण भाकरी गांव पहुंची। वहां सखमा ने मट्ठू के साथ 7 फेरे लेकर शादी की रस्में अदा की। चूरू जिले के राजलदेसर थाना क्षेत्र के लाछड़सर गांव में एक परिवार में शादी की खुशियां थी, लेकिन अचानक यह खुशियां मातम में बदल गई। यहां डीजे पर नाचने के दौरान डांस फ्लोर का चैनल टूटकर नीचे गिर गया, जिससे के कारण एक युवक की मौत हो गई और 6 साल की बच्ची समेत करीब 6 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लाचड़सर निवासी लिच्छूराम जाट के बेटे नौरंग की शादी का प्रीतिभोज कार्यक्रम था। परिवार के लोग और कुछ दोस्त डीजे पर नाच रहे थे, तभी आंधी से डांस फ्लोर का चैनल टूटकर गिर गया। हादसे में झुंझुनू निवासी विजय कुमार, लाचड़सर निवासी मनोज कुमार, शेषपाल सिंह, गुंजन शर्मा सहित 6 लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान विजय कुमार की मौत हो गई, शेष घायलों का इलाज चल रहा है। जयपुर जिले के सामोद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान राजेश शर्मा, अजय यादव, अनिल कुमावत और प्रताप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 मोबाइल, 2 लैपटॉप, LED सहित लाखों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के बीच हुए मैच पर सट्टा करवा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर सामोद के झीड़ा गांव की एक फैक्ट्री में कार्रवाई की गई और आरोपियों को दबोच लिया। बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना थाना क्षेत्र में एक युवक ने पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान होकर कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। पत्नी प्रेमी से फोन पर बात करती थी। पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई होती थी। पत्नी जान से मारने की धमकियां भी देती थी। पुलिस ने बताया कि बेरी गांव निवासी रावता राम ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि भाई प्रेमा राम की शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से पत्नी परेशान करती थी, साथ में एक अन्य युवक से उसके अवैध संबंध थे। पत्नी उस युवक से अक्सर फोन पर बात करती थी, मना करने पर लड़ने पर उतारू हो जाती थी, मारने की साजिश करते थे। इसके बाद पत्नी व उसके प्रेमी ने जान से मारने की धमकी दी। पत्नी से आहत होकर प्रेमा राम ने कुएं में कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में GLN मार्ग पर कार का शीशा तोड़कर लाखों रुपए की चोरी करने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि चोर कार का शीशा तोड़कर बैग में रखे सोने के आभूषण और 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि सांगानेर निवासी पुलकित गुप्ता की कार बिरला मंदिर के सामने खड़ी थी। अज्ञात चोर कार का शीशा तोड़कर लाखों के आभूषण और 1.5 लाख की नकदी चोरी कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती की से रेप का मामला सामने आया है। परिचित युवक ने लिव इन रिलेशनशिप में भी रखकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सिरसी रोड करनी विहार निवासी युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। करीब 8 साल पहले कालवाड़ निवासी कमलेश कुमार शर्मा से उसकी मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फांस लिया, शादी करने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया, किराए का कमरा लेकर लिव इन रिलेशनशिप में भी रखकर रेप करता रहा, शादी करने का दबाव बनाने पर मना कर दिया।
जयपुर जिले के बजाजनगर थाने में युवक और महिला द्वारा पुलिसकर्मी से हाथापाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि एक कोचिंग संस्थान के निदेशक ओम प्रकाश और एक महिला को एक परिवाद में पूछताछ के लिए थाने बुलवाया गया था। थाने में आकर दोनों आरोपियों ने पुलिसकर्मी से अभद्रता की और पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़कर देख लेने की धमकी दी। बजाजनगर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सिरोही के नई धनारी गांव में एक 3 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। परिजन मासूम बच्चे को इलाज के लिए आबू रोड के सरकारी अस्पताल लेकर जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सिरोही जिले के ग्राम पंचायत धनारी में नई धनारी गाँव के गोपाल राम के 3 साल के बेटे हितेश का पिछले 20 दिन से एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह तबीयत में थोड़ा सुधार होने पर उसे छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे में परिजन उसे इलाज के लिए आबू रोड लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग मौके पर पहुंचा और परिजनों से बालक के बारे में पूरी जानकारी ली। वहीं परिजनों ने बताया कि बालक ट्यूशन गया था, जहां उसे लगातार नींद आ रही थी। जोधपुर जिले के बाप थाना पुलिस और गैंगस्टर के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग भी हुई, लेकिन आखिर में पुलिस ने 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में बाप थाना अधिकारी दीप सिंह भाटी भी चोटिल हो गए। ग्रामीण पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाप थाना अधिकारी को खारा गांव में गैंगस्टर सुनेश बिश्नोई रामनिवास बिश्नोई के हथियार बेचने की सूचना मिली थी। इस पर थाना अधिकारी भाटी ने दोनों का पीछा करना शुरू किया। खारा गांव में पुलिस और बदमाशों की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ओर से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में बाप थाना के थाना अधिकारी दीप सिंह भाटी कुछ छर्रे लगने से चोटिल हो गए हैं। गैंगस्टर सुनील को भी चोटें आई हैं। पुलिस दोनों गैंगस्टर को फलौदी थाने में लाकर पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में पुलिस की एक जीप भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आरोपियों से 2 बोलेरो गाड़ी, 3 पिस्टल और 14 कारतूस भी बरामद किए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.